दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज एक और नई कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी से प्रेरणादायक विचार आएंगे। कल मैं रिक्शे से घर आई। मैंने रिक्शे वाले से पूछा, भैया आपके बच्चे हैं? अगर बुरा न मानो तो कुछ छोटे कपड़े मैं उनके लिए दे दूं, आप बच्चों को ये कपड़े पहनाओगे क्या? उसने कहा, जी मैम साहब। मैंने कहा, आप घर के अंदर आ जाओ, सोफे पर बैठो, मैं कपड़े लाती हूँ। जब तक मैं कपड़े लाई वो बाहर ही खड़ा रहा। ये देख मैंने कहा, भैया बैठ जाओ और देख लो, जो कपड़े आपको काम आ जाए। कांपते हुए वो सोफे पर बैठ गया, शायद उसे बुखार भी था। मैंने कहा, ठंड लग रही है तो चाय बना दूँ, आप पी लो। ये सुनते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बोला, नहीं मैम साहब, बहुत छोटेपन से रिक्शा चला रहा हूँ, आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जो हमें इतनी इज्जत दिया हो, हम जैसे लोगों को। और ये जो कपड़े हैं जो आप लोग हम जैसों को देते हैं, हम लोग इनको पहनकर रिश्तेदारी या शादी पार्टियों में पहनकर जाते हैं। बहुत गरीब हैं साहब, 2 हफ्ते बाद घर जाऊंगा, तब बच्चे ये कपड़े पहनेंगे, बहुत दुआ देंगे मैम साहब आपको। ये बात सुनते ही मन बोझिल सा हो गया। फिर मन में यही ख्याल आया, बेजान पत्थर के आगे मंदिर या मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा में दान करने से तो अच्छा है किसी जिंदा व्यक्ति की जरूरतें पूरी की जाए। आपका क्या विचार है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें कि उन लोगों को भी जानकारी पहुँचे कि समाज के अंदर ऐसी गरीब परिस्थितियों को लोगों को कैसे उभारा जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। जिसने भी ऐसा किया उसे दिल की गहराइयों से धन्यवाद। धन्यवाद।